हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज फैशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ वेडिंग वेयर ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा सूट है, ये वेडिंग वेयर के लिए ही बहुत ही अच्छा है और पार्टी वेयर के लिए भी बहुत अच्छा सूट है ये। और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसके ऊपर, और ये जो फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक है इसका, देखिए आप, ये हमारा सूट है और ये इसका बॉटम का फैब्रिक है, और ये जो है बॉटम का फैब्रिक भी है और इसके लाइनिंग का भी है ये। और ये रहा इसका दुपट्टा, देखिए दुपट्टे पर लेस लगी हुई है इस तरह से। अब मैं आपको इस सूट को ओपन करके बताती हूँ तो ये किस तरह से है। तो ये देखिए, ये इस ड्रेस का नेक का डिज़ाइन है और ये काफ़ी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और ये देखिए, सिर्फ नेक के पास ही नहीं है और ये जो डिज़ाइन है ये शोल्डर तक आपको आएगा। ये इतना सा चौड़ा डिज़ाइन है गले के पास, जैसे कि आप नॉर्मल ड्रेसेस को देखते हैं वो सिंपल सा डिज़ाइन आता है, लेकिन ये ड्रेस इसका इस तरह से नहीं है, बहुत ही चौड़ा ड्रेस है। यहाँ पर अभी हमें कटिंग स्टिचिंग कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। ये अभी अनस्टिचड सूट है ये। तो ये देखिए, ये फुल्ली वर्क वाला सूट है। और इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, किसी भी आप शादी में पहन सकते हैं, किसी भी पार्टी में पहन सकते हैं और किसी भी फंक्शंस में भी आप पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देता है। ये देखिए, ये इसका बॉटम का डिज़ाइन है, इस तरह से बॉटम में बॉर्डर दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से नीचे से थोड़ा प्लेन फैब्रिक दिया है। तो टोटली ये सूट जो है वो इस तरह से है। और इसका जो कलर है वो स्ट्रॉबेरी कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है ये। इस तरह के कलर जो है ना वो बहुत ही रेयर होते हैं। और इसका बैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, एकदम प्लेन है। और साइड से जो भी फैब्रिक हमारा बचता है उसी से हमें स्लीव को स्टिच करना है, तो स्लीव्स भी इसके जो है वो बहुत ही प्लेन है। तो ये देखिए, ये दुपट्टा मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। दुपट्टे के चारों साइड जो है वो इस तरह की लेस लगी हुई है और बीच में जो है इस तरह के बूटी लगी हुई है, इस तरह से जो वर्क हमारे सूट पे था उसी तरह के फ्लावर का डिज़ाइन जो है वो पूरे दुपट्टे में इसकी डिज़ाइन दी है इस तरह से। इसकी लेस भी जो है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह की चीज़ें ली है। यहाँ पे मैंने एक छोटी वाली मोती मैंने यहाँ पे ली है और यहाँ पे मैंने बीड्स लिए हैं गोल्डन वाली, और यहाँ पे मैंने सली ली है थोड़ी मीडियम साइज़ वाली, और यहाँ पे मैंने दो कलर के स्टोन चेन ली है, एक गोल्डन वाली है और एक जो है वो वाइट वाली है। इस तरह के मैंने दो कलर के स्टोन चेन लिए हैं। और इन चीज़ों को मैं किस तरह से इस ड्रेस में कहाँ पर यूज़ करूँगी और कैसे यूज़ करूँगी मैं आपको बताती हूँ। तो ये ड्रेस जो है पहले से ही फुल्ली वर्क वाला ड्रेस है और हमें इसको कुछ भी डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे स्लीव्स जो हैं वो बिल्कुल प्लेन है तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक के पास कुछ भी डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखिए इस नेक की जो चौड़ाई है वो मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। तो ये देखिए, इसकी नेक की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। तो बहुत ही चौड़ा है ये हमारे लिए, हमारे जो नेक की जो चौड़ाई चाहिए वो हमें 5.5 इंच की नेक की चौड़ाई चाहिए, तो ये ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इतना ही गला बना दे तो बहुत ही हमारा ब्रॉडनेस जो है नेक का वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से मार्क किया है, ये जो डिज़ाइन है इसके नेक के सेंटर पे मैंने एक मार्क किया है, और जितनी नेक की चौड़ाई हमें चाहिए मैंने अब यहाँ पर मार्क किया है इतना सा। तो देखिए, और बाकी का जितना ये पोर्शन है साइड में ये हमारा प्लेन फैब्रिक आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा जो है पोर्शन है ये पूरा बिल्कुल प्लेन आ जाएगा। अगर जो नेक का नेक की चौड़ाई है जो हमारे अकॉर्डिंग चाहिए अगर उस तरह से हम बनाएंगे तो ये इतना फैब्रिक प्लेन आ जाएगा। इसी को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये दो कलर के स्टोन चेन मैंने यहाँ पर ले ली है। मैं यहाँ पर इस चेन को यूज़ करके ये जो प्लेन फैब्रिक आ रहा है इसको मैं कवर कर दूंगी यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे गोल्डन स्टोन्स हैं और यहाँ पे वाइट स्टोन भी हैं। इन दोनों स्टोन्स को मैच करते हुए मैंने यहाँ पे ये दो कलर के स्टोन चेन ले ली है ताकि जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो बिल्कुल इस ड्रेस के साथ मैच हो जाएँ, अलग ना लगें। तो इस चेन को मैं नेक के लिए यूज़ करने के लिए मैंने लिया है। और ये जो बाकी के ये जो हैं
इसको मैंने स्लीव्स के लिए और ड्रेस के बॉटम डिज़ाइन के लिए मैंने इसको लिया है। इन चीज़ों को यहाँ पे मैं कटवर्क का डिज़ाइन करूँगी। ये जो भी प्लेन फैब्रिक यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कटवर्क करूँगी यहाँ पे, और जो सली वो बीड्स हैं उसको मैं यूज़ करूँगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लेसेस भी ली है। मैंने यहाँ पे दो टाइप के लेसेस लिए हैं, इसको मैं स्लीव्स पे यूज़ करूँगी। ये जो लेस है हमारे दुपट्टे के लेस के साथ अच्छे से मैच हो रहा है, इसलिए मैंने स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे इन लेसेस को ली है। तो चलिए अब मैं पूरे इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद हमारे ड्रेस का लुक जो है वो किस तरह से आएगा मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमारी ड्रेस की जो कटिंग जो है, स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे इसके नेक के पास देखिए, आपको जिस तरह से मैंने आपको प्लेन फैब्रिक बताया था यहाँ पे इतना आएगा। यहाँ पे मैंने इस स्टोन चेन को मैंने यूज़ किया है। हमारा नेक का डिज़ाइन यहाँ पर ही था और यहाँ पे मैंने फोर लाइंस में इस स्टोन चेन को लगा दिया है। पहले हमने यहाँ पे गोल्डन लगा दी है चेन, फिर हम वाइट लगा दिया है, फिर गोल्डन, फिर वाइट। इस तरह से हमने फोर लेयर्स में इस स्टोन चेन को लगा दिया है। तो ये टोटल जो है वो अच्छे से कवर हो गया है। जो भी हमारा प्लेन फैब्रिक वहाँ पे बन रहा था उसके ऊपर ये जो है वो कवर हो गया है। तो ये बिल्कुल ये नेक के डिज़ाइन के साथ ये अच्छे से मैच हो गया है। कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पे अलग से इसकी डिज़ाइनिंग की है। ये बिल्कुल इस ड्रेस के नेक की डिज़ाइनिंग के साथ ये अच्छे से मैच हो गया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे पहले ड्रेस की नेक की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट की है, बाद हमने यहाँ पे स्टोन चेन को लगा दिया है। तो चलिए अब इसके स्लीव्स को देखते हैं, हमने स्लीव्स पे किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो ये देखिए, हमने इस स्लीव्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है। हमने एक वाली लेस को यहाँ पे ऊपर स्टिच किया है और दूसरी लेस को हमने यहाँ पे इस तरह से नीचे से स्टिच किया है, और बीच में हमने यहाँ पे इसी ड्रेस के फैब्रिक से, जॉर्जेट फैब्रिक से इसके ट्रायंगल्स बनाए हैं और दोनों को मिलाते हुए बीच में एक बीड्स हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। इस तरह से हमने इसकी स्लीव की डिज़ाइनिंग की है और ये जो लेसेस हैं वो इस ड्रेस के वर्क के साथ अच्छे से मैच कर रहा है और एक काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रहा है। इस तरह से आपका सूट हैवी हो और स्लीव्स बिल्कुल प्लेन हो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे तो आपके सूट का जो लुक होता है और ही खूबसूरत लग जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है और ज़्यादा खूबसूरत लगता है ड्रेस आपका जो भी है। तो चलिए अब इसके दामन पे हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके दामन को इस तरह से डिज़ाइन किया है। मैंने यहाँ पर कटवर्क डिज़ाइन कर दिया है। जो भी फैब्रिक प्लेन था उसको हमने यहाँ पे कटवर्क का शेप दे दिया है पेस्टिंग पेपर को यूज़ करके। फिर हम इसके बीच में इस तरह से ये लटकन्स बना दिए हैं। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी उन चीज़ों को यूज़ करके मैंने इसके बीच में इस तरह से ये लटकन्स मैंने यहाँ पे बना दी है। देखिए, पहले हमने छोटी वाली मोती यहाँ पर लगाई है, फिर हमने ये लंबी सल्ली लगा दी है, फिर हमने बीड लगा दी है। इस तरह से हमने इसके बॉटम को डिज़ाइन किया है। बैक हमने बिल्कुल सिंपल ही रखा है। बैक हमने गोल गला रखा है और हमने जॉर्जेट फैब्रिक की डोरी यहाँ पे हमने बना दी है। हमने जॉर्जेट फैब्रिक की डोरी इसलिए बनाई है, जो भी हम बैक डोरी पे लटकन्स जो भी लगाते हैं उसके हैवी के वजह से जो रेडीमेड डोरी होती है उसकी नॉट जो है वो खुल जाती है अक्सर। अगर आप इस तरह से जॉर्जेट फैब्रिक की डोरी बना के लटकन्स लगा के नॉट लगाते हैं तो आपकी नॉट जो है वो नहीं खुलेगी। इसीलिए मैंने इसी ड्रेस के फैब्रिक से इसी सेम कलर की डोरी मैंने बना दी है और ये लटकन मैंने यहाँ पे इस ड्रेस की मैचिंग ले ली है। ये देखिए, इस पे भी स्टोन वर्क है, इस तरह से चेन है, इस तरह से मैचिंग लटकन हमने लगा दी है। इस तरह डोरी बनाने से आपके लटकन जो भी जितने भी वेट हो, आपकी नॉट जो होती है बैक डोरी की नॉट, वो नहीं खुलेगी। और इसका बैक वाला पोर्शन बिल्कुल प्लेन था और हल्का हल्का था। जो हमारे फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हैवी था, बैक वाला पोर्शन बहुत ही हल्का था। इसलिए हमने यहाँ पे इसके जो सलवार के फैब्रिक का वो फैब्रिक बचा हुआ होता है उसको हमने एक 3-4 इंच की पट्टी बना दी है और यहाँ पे इसके नीचे हमने इनविजिबल गोल्डन पाइपिंग लगा दी है इस तरह से, ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो हैवी हो जाए और ये हल्का ना लगे। इस तरह हैवी हो रहने से वो बैक साइड जो होता है वो ऊपर साइड नहीं उठेगा, ऐसे ही दबे रहेगा। इसीलिए हमने इसको हैवी थोड़ा देने के लिए इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है और हमने इसमें प्लाजो पैंट स्टिच की है। इस ड्रेस में हमने, इस सूट में फ्रंट एंड बैक हमने इलास्टिक लगा दी है और जिस तरह से हमने इस ड्रेस के बैक पार्ट में इनविजिबल पाइपिंग गोल्डन वाली बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह हमने इस पैंट के बॉर्डर में भी हमने यहाँ पे उसी तरह से पाइपिंग की है।
और यहाँ पे हमने बीट्स लगा दी है। हमने पैंट पे ज़्यादा हैवी वर्क नहीं किया है क्योंकि हमारा जो सूट है टॉप है वो पहले से ही फुल्ली वर्क था, इसीलिए हमने पैंट को सिंपल ही रखा है। अगर हम इस पैंट पे भी हैवी वर्क करते तो उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सिंपल ही रखा है। और दुपट्टा तो पहले से ही वर्क था और फोर साइड्स बॉर्डर भी थे और बीच में वर्क भी था, इसलिए हमने दुपट्टे को बिल्कुल सिंपल ही रखा है, कुछ भी डिज़ाइनिंग दुपट्टे पे हमने नहीं की है। तो ये रहा हमारा आज का ड्रेस का डिज़ाइन। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।